नेहा, नेहा शांत होकर मेरी बात सुनो। Just get lost। इतने बड़े और अमीर घर की लड़की, उसे हजार दो हजार की जरूरत पड़ गई, क्यों नेहा? It's none of your business, you understand? वो बदमाश अनिल तुम्हें ये जहरीली आदत डालकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज वो तुम्हें चोरी करने के लिए कह रहा है, कल कहेगा अपने आप को बेच दो। नेहा, अगर तुम अभी नहीं संभली तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें जहरीले नशे के लिए अपने आप को बेच दोगे। क्या कहा तुमने? ठीक कह रहा हूँ, संभल जाओ वरना एक दिन खुद को भी बेच दोगे। How dare you? इस थप्पड़ की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, काश मैं तुम्हें दे सकता। चलो दीपा, एंड यू गेट लॉस्ट। Bloody hell! यहाँ पर है। अरे साड़ी का है। वॉल्ट। अरे वाह। क्या मतलब है इसका? मैं पूछता हूँ क्या मतलब है इसका? क्या हुआ पापा? अरे रात में अपने कमरे में भरा हुआ बटवा रखता हूँ, सुबह खाली। इसमें हैरत की क्या बात है? तुम्हारे जैसे रईस मर्दों के भरे हुए बटवे ही तो शामा जैसी औरतों की रातों की शमा बनते हैं। यहाँ अपने घर में अपने कमरे में रात में मैंने भरा हुआ बटवा रखा था। अब सीधे से बताओ कि हमारे घर में चोर कौन है? एक ही तो चोर है हमारे घर। कौन है वो? तुम। पापा प्लीज बस करिए, आप हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, रहम कीजिए हम दोनों पर। एक लड़की तो आपके झगड़ों के वजह से जहन्नुम के रास्ते तक पहुँच गई है। मैं बड़ी मुश्किल से बर्बादी से बच कर आई हूँ पापा। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं समझते तो पैदा ही क्यों किया था हमको? मुझसे क्यों पूछ रही है? अपने बाप से पूछ, क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे अपनी घर गृहस्थी होते हुए जो आदमी बाहर रंगरेलिया मनाता है उसे चोर नहीं तो और क्या कहते हैं? फिर वही बकवास। माँ आप चुप करिए, अगर आपने बात को आगे बढ़ाया ना तो मैं आपकी कसम वापस चली जाऊंगी घर से। पापा आप भी चुप। निकी, पैसे गए? पापा आप ये भी तो सोचिए कि हमें क्या जरूरत पड़ गई आपके बटवे से पैसे निकालने की। तो इसका मतलब है नौकरानी? क्या बोला साहब, मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा है? तुम्हारे अलावा यहाँ बाहर का है कौन? मुझे क्या पता यहाँ कौन आता है कौन जाता है। मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा, मेरी तलाशी लेने का लो, मैं जाती हूँ। बाय ठहरो, बाय ठहरो। क्या कह रहे हैं मैम साहब? सुनो मेरी बात, घर में चोरी हुई है ना, साहब ने हमसे भी पूछा तुमसे भी पूछा, तुमने ना बोल दिया, बात खत्म। ठीक है, जिसको बुरी आदत लगी जिसका खर्चा पानी बंद हो गया उससे पूछिए ना। तुम्हारा मतलब है? हाँ नेहा बेबी। जान तो जो नेहा, नेहा मेरे बटुए से रुपए तुम लेने लगी हो। पैसे क्यों निकालूंगी पापा? क्यों की वजह तो है। मैं चोर नहीं हूं पापा। सबूत नहीं है इसलिए मैं तुम पर इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह भी सच है कि रुपए भूत तो नहीं लेंगे। तो पाबंदियां लगी हैं, जरूरतमंद सिर्फ तुम यह भी अच्छी तरह जानते हो कि 5-7 हजार की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। अच्छा नहीं किया।
होकर निढाल हो रही हो। मैं सब संभाल लूंगा। संभालने के लिए क्या बाकी राजू? अरे मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं शिवम से कहूंगा कि नर्स ने इससे झूठ बोला है, जलन में आकर बोला है। नर्स को क्या जलन हो सकती है? भूलने? अरे ये नर्स वही लड़की है, वो पूजा, शिवम की महबूबा, जिसे मैंने वहां जाकर तोड़ा। ये तो और भी बुरा हुआ ना, वो तो शिवम को सब कुछ सच बता रही थी और उसके अलावा उस डॉक्टर ने भी तो शिवम को सब कुछ बता दिया है। तुम्हें कैसे मालूम? उसका फोन आया। तो वाकई बर्बाद है। तुम्हारे साथ हम भी तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। क्या हाल है सेठ? देखो अनिल, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अगर कोई बुरी खबर लाए हो तो बगैर मुंह खोले वापस चले जाओ। कैसी बात करते हो सेठ? अगर अनिल का मुंह नहीं खुलेगा तो दुश्मनों का मुंह कैसे बंद होगा? और वैसे भी हम दोनों एक ही तेली के छट्टे बट्टे हैं। अब मुसीबत में दूसरे के काम नहीं आया तो कब आएगा भी, आप ही बताओ। अरे मुसीबतों का तो पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। करता कुछ हो कुछ जाता, जाल फैलाया था दुश्मन के लिए, बस मैं खुद गया हूँ उसमें। सेठ तो अनिल की समझ की दवा है, हम निकालेंगे आपको मुसीबतों से। मैं तो कहता हूँ सेठ की मुसीबत के पेड़ को जड़ से काट डालो। मतलब अगर मैंने कोशिश की और नाकाम रहा तो नरेश मल्होत्रा काली आंधी की तरह यहाँ आएगा और मेरी हड्डियों से ऐसा थक-थक कराएगा कि इंश्योरेंस वाले पैसे भी नहीं देंगे। वो किलर को भेजा था प्यारे लाल को टपकाने के लिए, वो भी फेल रहा। नरेश का भांजा किशन उसे भी कहीं ले उड़ा। मामला तो गंभीर होता जा रहा है। एक काम करोगे? दस करूंगा सेठ, बोलो। पता लगाओ कि किशन ने प्यारे को कहां छुपा रखा। मगर प्यारे का पता लगा कर तुम क्या करोगे सेठ? अरे उसका मुंह बंद करना है। अगर नैना के कत्ल के मुकदमे में उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो समझ लो मेरी खटिया खड़ी। फांसी का फंदा नरेश के गले में नहीं, मेरे गले में पड़ेगा। तो मामला एकदम संगीन है, सीरियस और डेंजरस भी। बिल्कुल, तुम फिगर मत करो सेठ, प्यारे चमन का पता तो मैं निकाल कर ही लूंगा। मैं खुश कर दूंगा तुम्हें। तो जरूर करूंगा सेठ, मगर याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है। भूलना नहीं सेठ। हाँ मैं चलता हूं। अरे अनिल, कैमरा कमाल करते हो यार, कब से दरवाजे की घंटी का बटन तलाश करा और लगाया नहीं क्या? नहीं लगाया। तुम ये क्या कर रहे हो? चिंता है भाई, रहा नहीं गया तो चला है। किस बात की चिंता है? नरेश सेठ को नैना मैडम के कत्ल के इल्जाम से एक ही मोहरा बचा सकता है। कौन सा मोहरा? प्यारे लाल। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें मालूम है प्यारे लाल कहाँ छुपा है? हाँ, कहाँ? जरूर किसी ने उसे छिपा लिया होगा। अब नरेश सेठ के खातिर कहाँ है ये तो पता लगाना होगा ना। ओहो, मुझे लगा तुम्हें पता चल गया वो कहाँ छिपा है। अरे नहीं मालूम तो चल जाएगा, आखिर कब तक छिपेगी कैरी पत्तों की आड़ में है। गुड, लगे रहो। अच्छा तुमने भी उसका कुछ पता वता निकाला होगा? हाँ, कोशिश जारी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इत्तेफाक से वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे कहाँ छिपाओगे? चूहे की बिल में। गुड जोक, गुड जोक। मगर इस वक्त मैं सीरियस हूँ, हाँ मजाक नहीं कर रहा। मैं ही बहुत सीरियस हूँ। चूहे को चूहे की बिल में ही छुपाते हैं। कहाँ है वो बिल? अब ये तो चूहे से ही पूछना पड़ेगा कि चूहे की बिल कहाँ है। मैं समझ गया, राज की बात है ना। अरे नहीं अनिल, तुमसे कैसा राज? तो मैं तलाश जारी रखूँ? हाँ बिल्कुल,
अगर कुछ खर्चा पानी दे दो, मेहनत लगन। वो खर्चा पानी तो तुम्हें मामा ही दे सकते हैं, तुम तो जानते हो मैं भी यहाँ मुलाजिम हूँ। ये भी ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ बिल्कुल। शिवा मारेगा तो क्या कहेंगे? Offense is the best defense. मतलब? देखो हिटलर की फिलॉसफी थी कि झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लग जाए। लेकिन वो नर्स और वो डॉक्टर? अरे पहले तुम शिवम को आने तो दो। तुम ऐसे बिहेव करना जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है। तुम कहाँ रह गए थे शिवम? अरे उस गरीब का तो रो रो के बुरा हाल है। अरे क्या समझ लिया आप लोगों ने मुझे? मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इंसान इतना भी गिर सकता है। इसका मतलब तुम उस नर्स के बहकावे में आ रहे हो? शिवम तुम समझते नहीं हो, वो तो चाहेगी कि तुम्हारे दिल में तुम्हारी पत्नी के लिए गलत फहमी हो, ताकि तुम इसे छोड़कर उसके पास चले जाओ। प्लीज बंद कीजिए आप लोगों का ये नाटक। शिवम ये नाटक नहीं, सच तो कह रही है। अच्छा? हाँ, पूजा ने अपने स्वार्थ के लिए तुमसे झूठ बोला है। और वो डॉक्टर? पूजा ने उस डॉक्टर को भी खरीद दिया होगा। जानते तो इंसान कैसे चीजों की तरह आजकल बिकता है। अरे डैड मेरी आंखें खुल चुकी है, प्लीज उन्हें बंद करने की कोशिश मत कीजिए। शिवम बेवकूफी की बातें मत करो। आखिर वो तुम्हारी ब्याहता पत्नी है शिवम। उसका भी इलाज है मेरे पास, डिवोर्स। डिवोर्स? ये तुम क्या कह रहे हो? बेटे शांत हो जाओ, दुनिया क्या कहेगी? कौन सी दुनिया? देखो कैसी बातें करते हो। अरे मैं तेरा बाप, तेरा भले के लिए कह रहा हूँ।
मत छेड़ो इस रात को, मेरी बच्ची नंद की शोला बन जाएगी और मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे कौन रखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? शिवा आप कहाँ जा रहे हैं? पूजा की तलाश में। मगर क्यों? उसके जख्मों पर मरहम लगाने। और हमारे जख्मों का क्या हो? मुझे नहीं पता, उसका फैसला कुदरत करेगी। कम अज कम अपनी बीवी से मिल तो ले। कौन सी बीवी? सुन लीजिए आप लोग, ना वो मेरी बीवी थी, ना वो मेरी बीवी है, ना वो मेरी बीवी होगी, और कह देना उससे ये। तो तुम क्या समझे थे? अरे समझने की ताकत रही कहाँ है। अब तो हवा का झोंका आता है ना तो डर लगना शुरू हो जाता है। यहां तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ले लो अपना सामान। जियो राजा जियो। अरे यार ऊपर वाले ने सिर्फ 3 चीजें बना के इस धरती पे भेजी। एक तो ये अंगूरी की बोतल, दूसरा औरत, और तीसरा नरेश मल्होत्रा। अरे यार कुछ चखने के लिए लाया, बहुत भूख लग रही है। ये लो सब कुछ है इस डिब्बे में। और हाँ, मामा ने कहा है तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए रखा गया है। पर अदालत में जाने के लिए तो मुझे इस बिल से निकलना पड़ेगा ना। अब उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं वहां भी तुम्हें हिफाजत से ले जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने हरीश सेठ के खिलाफ मुंह खोला तो वो मेरे लिए सुपारी दे देंगे, ये तो हो सकता है ना। ये कोशिश तो उसने की थी। हाँ। निकाल लाया ना मैं तुम्हें मौत के मुंह से। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ। एक मानता। बार हरीश भाई को सजा हो जाने दो। अच्छा। उसके बाद उठते रहना पर फैला के। ठीक है, तुम चिंता मत करो और ऐश करो। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं मामा को फोन करके आता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, हरीश भाई, अलीन बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्यारे लाल का पता लग गया है। अच्छा, कहाँ है वो हरामी? वो हरामी नरेश मल्होत्रा के गेस्ट हाउस में। हाँ हाँ ठीक है, इधर ही पहरा देता हूँ। ओके। तो इसलिए आया था मेरे पास। अरे मगर हुआ क्या? चल मेरे साथ, मैं तो इतना मारूंगा कि नदियों की गिनती मुश्किल हो जाएगी, समझा? चल।